तो सवाल है चार्ट को लेकर के। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट और आठ सब्जेक्ट लिए गए हैं। अब सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया गया है, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, ऐसे करके ले लिया गया है। टोटल मार्क्स कैलकुलेट किया गया है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है। अब इस पूरे डेटा को आप कर लीजिए सेलेक्ट कुछ इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब ये पूरा डेटा सिलेक्शन में आ गया। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट मेन्यू पे चलना है, ठीक है। और इंसर्ट मेन्यू पे चलने के बाद यहां पर आपको चार्ट मिल जाता है, तो कॉलम चार्ट में चले जाइए। आपको 2D चार्ट बनाना है, 3D चार्ट बनाना है, कैसा बनाना है आप देख लीजिए, उस हिसाब से यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको एक चार्ट बना बनाया मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं यही आपका चार्ट है, ठीक है। अब इसमें सारी चीजें आपको आसानी के साथ दिखाई पड़ेंगी। अगर आप इस तरह का चार्ट बनाना चाहते हैं तो इजिली आप बना सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी के साथ ये चार्ट बन भी जाएगा। अगर आप इसको डिफरेंट शीट पे लेके आना चाहते हैं तो डिफरेंट शीट पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहां से आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके से चेंजिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये चार्ट कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो ये बड़ा आसान है और आप इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये देख पाएंगे कि आप देख करके ही बता सकते हैं। और यहाँ पर सब अलग अलग नाम भी डिस्प्ले हो रहा है तो देख करके बताया जा सकता है किसका कितना मार्क्स है। और ये अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कलर भी दिए हुए हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सबका अलग अलग कलर दिया हुआ है। तो चार्ट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का, ठीक है, जो हमें देख करके ही पता लग जाता है कि इसमें क्या हो रहा है, मतलब इस डेटा में क्या हो रहा है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी।